राजधानी दिल्ली में पिछले साल 10 मई 2015 को दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस सतीश और महिला रमनजीत के साथ मारपीट को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। वहीं इसी मारपीट के वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल सतीश को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि हेड कांस्टेबल का कहना था कि महिला झूठ बोल रही है। हालांकि पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने उस पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और रिश्वत मांगी। जब उसने 200 रुपए की रिश्वत देने से मना कर दिया तो उसने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। महिला ने कहा कि उसने मुझे चालान देने से मना कर दिया और मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने विरोध किया तो उसने ईंट से मुझ पर हमला किया। फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी हेड कांस्टेबल सतीश ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। कोर्ट में सतीश ने याचिका लगाकर कहा कि इस घटना को लेकर उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। वहीं घटना वाले दिन महिला ने उसे पहले अपशब्द कहे, फिर उसे मारने के लिए ईंट उठा ली। फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला रमनजीत के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट।